बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर को गुजरे हुए 8 महीने होने जा रहे हैं। 30 अप्रैल की सुबह ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं ऋषि के गुजर जाने के बाद पूरा कपूर परिवार ही अंदर से टूट गया। सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख को बयां करती हुई नजर आती हैं ऋषि की बेटी रिधिमा कपूर, तो वहीं ऋषि कपूर की पत्नी और पॉपुलर एक्ट्रेस नीतू सिंह भी। नीतू सिंह लगातार खुद को संभालती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस समय नीतू सिंह ऋषि कपूर के सपनों को भी पूरा करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच नीतू सिंह ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। हाल ही में नीतू सिंह को लेकर एक बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही नीतू सिंह कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो चुकी थी। नीतू सिंह अपनी फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कर रही थी। वहीं नीतू सिंह इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अब खबर सामने आई है कि अब नीतू सिंह इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, नीतू सिंह और डायरेक्टर राज मेहता फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग का आगाज कर चुके हैं। वरुण धवन, नीतू सिंह और राज मेहता तीनों ही कोरोना वायरस महामारी को मात दे चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि शूटिंग शुरू करने से पहले ही फिल्म जुग जुग जियो के सेट को, हर एक कोने को अच्छे से सैनिटाइज भी किया गया है और इसके साथ साथ सेट के आसपास के इलाके को भी सैनिटाइज करवाया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो नीतू सिंह अब इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने जा रही हैं। वेल, सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि नीतू सिंह 18 दिसंबर को चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने वाली हैं और जहां पर नीतू सिंह अपने 5 दिनों की शूटिंग को खत्म करेंगे। 30 दिसंबर से फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग करना शुरू कर देंगे बाकी के सभी सितारे। ऐसे में देखा जाए तो नीतू सिंह के फैंस के लिए ये बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।